मेहराज खान, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलुरिंग शिक्षा द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का पेपर करंट अफेयर्स का, जो करंट अफेयर्स पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 111, मतलब 111 से 140 तक करंट अफेयर्स पूछा गया था। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे। अब कुछ बच्चे ये सोच के वीडियो स्किप ना कर दें कि मतलब ये इतना पुराना करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ें। इससे पहली वीडियो भी देखी होंगी जो मैं करंट अफेयर जो मैं करा रही हूँ वो मैं पिक्चर्स के थ्रू करा रही हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं उसे लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ प्रेजेंट से, मतलब जो अभी करंट इवेंट 2023 में अगर कुछ हुआ है, जो मतलब करंट सिचुएशन जो है वो उनसे लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसने करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, उसने जीएस भी पूछा है, जीके भी पूछा है, मतलब जीएस जीके से भी क्वेश्चन पूछा है जो मैं पिक्चर के थ्रू आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब ये सोच के वीडियो नहीं छोड़ना है कि ये तो बहुत पुराना करंट इवेंट है, ठीक है, करंट अफेयर से बहुत पुराना तो नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इससे भी कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, जैसे मैं लिंक करा के पढ़ाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, तो इसलिए आपको देखना जो है जरूरी हो जाता क्वेश्चन एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले और ये सब 5 वीडियो आ चुकी होंगी 2021 पे, और एक वीडियो और आएगी इसके बाद में, तो क्वेश्चन नंबर 141 से 160 है साइंस का, ठीक है। मैथ भी पूछा गया था, मैथ आपको करा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन इसका पढ़िए, हु ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा 2019 के खेल खिलाड़ी जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए हिंदी में उल्टा सीधा लिख देते हैं ये। ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी जसपाल राणा। तो इसका करेक्ट आंसर था पीवी सिंधु, जो मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, उसे कैसे लिंक करना है मैं उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी और बाकी मैं जो है आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, 112 है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द आउटब्रेक पॉइंट ऑफ कोविड 19, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोविड 19 का प्रकोप बिंदु माना जाता है। तो ये था वुहान, मतलब 2021 का पेपर है, उस टाइम पे कोविड का काफी प्रकोप देखा गया था। हिंदी में देखें प्रकोप लिखा है, प्रकोप बिंदु मतलब कहां से स्टार्ट हुआ, तो ये इसका आंसर है वुहान, जो कि वुहान कहां है, चाइना। क्वेश्चन नंबर 113, हेमंत सोरेन वाज एज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब आपको बताना है कि हेमंत सोरेन, हिंदी वाले परेशान ना हो कि इसमें हिंदी नहीं है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, है ना, मैं हिंदी में बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको बताना है सीएम कौन है झारखंड के, जो कि 2019 में ये बने थे, तो वो किस नंबर के थे। तो इनका पोजीशन जो था, मतलब नंबर जो था 11th नंबर के ये सीएम बने थे, और प्रेजेंट में भी यही है हेमंत सोरेन। पूछा जा सकता है कि जो झारखंड के सीएम कौन है, तो आपका आंसर होगा हेमंत सोरेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, मतलब आपको बताना है कि इसमें अब ये क्वेश्चन आपका जीएस जीके का भी बनेगा, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन नहीं है, ये जीएस जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन रिपीट होने का पूरा पूरा चांस है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। और ये तो था कि उस टाइम पे जो बने थे, है ना, 19 में, अब प्रेजेंट में कौन है, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है, जनरल बिपिन रावत की डेथ हो चुकी है, तो अब प्रेजेंट में कौन है ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन, मतलब आपको बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, तो जनरल बिपिन रावत, या ऑप्शन सी जनरल मानिक शाह, या फिर ऑप्शन सी जनरल के एम करियप्पा, ऑप्शन सी विक्रम सिंह, है ना। तो आप आंसर बताएं इसका, आपको पता होगा पिक्चर भी मैं लेकर आई हूं इनका, जनरल बिपिन रावत। अब जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई, आपको पता होगा डेथ कैसे हुई, इनका प्लेन जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु में, ईओसी की पिक्चर है, ये जा रहे थे और तमिलनाडु में इनका प्लेन जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इनकी डेथ हो गई, इनकी वाइफ भी इनके साथ थी। उसके बाद में जो बने थे ये चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं, जो सेकंड नंबर के हैं, पूछा जा सकता है इनका नंबर सेकंड है, और इनका नाम क्या है, अनिल चौहान, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं नहीं, तो अनिल चौहान इनके यहाँ पर भी लिखा हुआ है अनिल चौहान, ठीक है। तो फिलहाल कौन है चीफ ऑफ डिफेंस, अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
115 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल. आपको बताना है उस कंट्री का नाम जिसने पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाया था, तो वो था हमारा इंडिया. क्लियर? और ये JSJK का भी क्वेश्चन बनेगा कि मतलब पहला देश कौन था, तो हमारा इंडिया था एंटायर हज प्रोसेस को क्या करने वाला, डिजिटल बनाने वाला. क्वेश्चन नंबर 116, द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड एड्स डे. अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है. कैसे रिपीट होगा ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में. तो फिलहाल हम इसका थीम देख लेते हैं, जो कि अब थीम तो नहीं पूछा जाएगा 2019 का, हम सीधा इसका आंसर देखेंगे. इसका आंसर था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस. ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है. पूछा जा सकता है कि आपसे अब ये जो एड्स डे होता है ये कब होता है, 1 दिसंबर, है ना, आपको पता होगा. और अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रखेंगे, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन सकता है. और एक क्वेश्चन बनेगा कि आपको, क्योंकि अभी 1 दिसंबर 2023 आया नहीं है, है ना, तो यहाँ की तो थीम क्या, आपको जब ये जब 1 दिसंबर को थीम, मतलब जब डे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो थीम आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में ही आपको ऐड करना है. उसके बाद में आपको 2022 की थीम भी याद रखनी है, क्योंकि 2022 की भी पूछ सकता है. 2020 का पेपर था, 19 का पूछा है ना. पहली बात तो चांस है कि 2024 में पेपर होगा और उसमें 2023 का पूछेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और पीछे चला गया और आपसे पूछा 2022 का, तो आपको ये याद रखना है इसका थीम था इक्वलाइज. क्लियर? यहां से आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. 2019 का थीम तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि कब सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर, और पूछ सकते हैं 2022 की थीम या फिर 2023 की. 2023 जैसा सेलिब्रेट होगा हम उसका करा देंगे क्लास में आपको. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, लॉन्ग मार्च 5 और CZ5 इज आ, मतलब लॉन्ग मार्च 5 या CZ5 क्या है. तो ये एक रॉकेट है, अभी भी पूछ सकता है आपसे कि बताएं लॉन्ग मार्च, या तो ये पूछेगा कि लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है वो किस कंट्री का है, तो वो चाइना का है. आपको यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज भी नजर आ रही होगी, तो ये चाइना का है. और ये क्या है, कैरियर रॉकेट है, मतलब ये जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको लेकर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द पार्टनर कंट्री ऑफ द 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. उस टाइम पर 2020 में तो इसका जो पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान था. अब इस बार कौन सा इसका पार्टनर कंट्री रहा है, तो वो रहा है पार्टनर नेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब SCO. ठीक है, इसका पार्टनर कंट्री रहा है. और ये कब सेलिब्रेट हुआ है, मतलब कब से कब तक हुआ है, 3rd से 19 फरवरी. और ये एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि ये कहां पर हुआ, फरीदाबाद हरियाणा. अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो लिख लें, मैं बताती हूँ. फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला हुआ इस बार, 19 फरवरी तक ये चला था. ठीक है, और इसका जो पार्टनर नेशन था वो था SCO. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर मैं उम्मीद करती हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मतलब आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो किसका बर्थडे होता है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, या फिर परमहंस रामकृष्ण परमहंस. मुझे लग रहा है ब्राइटनेस इसका ज्यादा हो रखा है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना. तो आपको बताना है इसका यूथ डे किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो वो है स्वामी विवेकानंद, है ना. अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया एज ए यूथ डे, उसका थीम क्या था. तो थीम आपको जानना है, जो थीम था, और आपको नंबर जानना है, 26 नंबर का था ये फेस्टिवल यूथ डे, और 12 से 16 जनवरी 2023 को मनाया गया. इसका जो थीम था वो था विकसित युवा विकसित भारत. ठीक, विकसित युवा विकसित भारत. और ये जो विवेकानंद है, इनका फेमस कोट है एक, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल्स रीच्ड, मतलब उठो जागो, है ना, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले. मतलब
पढ़ो और जब तक पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विच कंट्री हैज फिनिश्ड द ईयर 2019 एज द नंबर वन शूटिंग नेशन इन द वर्ल्ड, मतलब कौन सा कंट्री जो था वो नंबर वन बना 2019 में शूटिंग में, तो वो था इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ ओमान, ओमान के जो जो है रूलर हैं, ओमान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। तो 2020 का था तो इनका निधन हो गया, उस टाइम का करंट था ये, तो हमें नहीं लगता ये पूछा जाएगा, तो इसका हम सीधा आंसर जानेंगे, कबूस बिन सईद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। विच पोर्ट इज नाउ रीनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, मतलब किस पोर्ट का नाम चेंज हुआ और उनका हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो वो था कोलकाता पोर्ट। और आपको जानना चाहिए कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम रखा गया है किसी पोर्ट का, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, तो वो थे इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जो कि उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था इंडस्ट्री एंड सप्लाई, लेकिन अब जो इसको जानते हैं इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इंडियन रेलवे साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेज सेकेंड, मतलब इसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने ई ऑफिस निष्पादन के चरण सेकंड के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया था, तो वो था रेलटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 जनवरी के महीने में कहां आयोजित किया गया, तो वो था अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। रॉबर्ट अबेला वॉज बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो वो था माल्टा। और फिलहाल मतलब ये जो रॉबर्ट अबेला ये प्रेजेंट में भी माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। नेम ऑफ द टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द जो मैन सिंगल टाइटल इन द इनॉग्रल ATP कप, तो वो थे नोवाक जोकोविक, जो फिलहाल नहीं पढ़ना चाहिए आपको, ये करंट का क्वेश्चन था। 127। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के, निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक के रूप में चुने गए, तो वो है AP महेश्वरी, जो कि इस पर भी आपको फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन द की स्वच्छता पैरामीटर्स, तो ये था पुरी ओडिशा। ठीक है, जब हम क्लास कराएंगे ना तो उसमें सब हम करंट ही सिचुएशन कराएंगे, ये सब नहीं कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बाकी के क्वेश्चन भी मैं अभी और हैं जो कि लिंक हो सकते हैं करंट से, तो इसलिए मैं स्किप नहीं कर सकते इन क्वेश्चन को, है ना। 129। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फिफ्थ एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया SCIFFI 2020 वाज स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी, तो ये था पणजी। ठीक है, मैं इसलिए इसका फास्ट करा रही हूँ क्योंकि इनको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130। हु हैज वॉन द ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट ICC अवार्ड 2019, तो वो थे रोहित शर्मा। आपको फिलहाल प्रेजेंट का पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 131। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IUCN टू रेड लिस्ट ऑर्किड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या फिर कर्नाटक, तो इसका करेक्ट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 132। विच बैंक रिसेंटली हैज लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉ फैसिलिटी फ्रॉम, ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ICICI बैंक। आपको नहीं पढ़ना है, आपको याद भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 133। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ट्रेन इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन,
कौन सा देश भारतीय उड़ान सर्जनों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित कर रहा था? तो वो था फ्रांस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जीएस जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि गगनयान के लिए किसने किया था, गगनयान के जो मतलब लोग थे सर्जन लिखा हुआ यहाँ पर, तो वो किस देश ने प्रशिक्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 134, रितेश अग्रवाल हु वाज नेम्ड एज द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट बिलियनर इज द फाउंडर ऑफ विच इंडियन स्टार्टअप कंट्री। देखिए ये 2020 में रितेश अग्रवाल हैं, 2020 में बने थे, ये क्या बने थे, वर्ल्ड जो है सेकंड यंगेस्ट बिलियनर इन 2020। और इनकी कंपनी पूछी गई कि कंपनी क्या थी, तो ओयो होटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि रितेश अग्रवाल की कंपनी का नाम बताएं, ठीक है। तो आपको याद रखना है रितेश अग्रवाल की कंपनी का नाम है ओयो, ठीक है, ओयो होटल। 135, विच स्टेट रिसेंटली पास रिजोल्यूशन टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया? तो वो बिहार है, और ऐसा करने वाला ही फर्स्ट स्टेट था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि किसी ने जो जाति आधारित जनगणना कराई तो वो स्टेट था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, एज ऑफ 2020 हाउ मेनी लैंग्वेज इन द इंडिया आर गिविन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज को जो है क्या दिया गया, स्टेट गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिक। क्वेश्चन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है 6। आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन में, क्या है कि आपको प्रेजेंट में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, प्रेजेंट में ऐसी कितनी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है इंडिया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है, सर्च करेंगे। मैं होमवर्क क्यों देती हूँ आपको, क्योंकि अगर होमवर्क करेंगे एक दो क्वेश्चन, तो आपको एक दो क्वेश्चन और भी मिल जाएगा, गूगल करेंगे कुछ ना कुछ उसमें पढ़ेंगे ही आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विच एसोसिएशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स। एएमयू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एएमयू के लिए पढ़ रहे हैं, एमयू बीएड के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशनल से रिलेटेड रिलेट करके पूछता है, और वो पुराना भी पूछता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है नैसकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 2020 का थीम क्या था, आपको ये बताना है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम प्रेजेंट से लिंक करेंगे, मतलब करंट से हम लिंक करेंगे उसको। तो नेशनल साइंस डे 2020, इसका जो थीम था वुमेन इन साइंस। आपसे पूछ सकता है कि नेशनल साइंस डे किसका जो है बर्थ एनिवर्सरी है, तो वो है सीवी रमन का बर्थ एनिवर्सरी है ये, मतलब इनका जयंती है, और उस पर हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और होता है 28 फरवरी को, है ना, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है। और इसकी जो थीम थी इस बार 2023 की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अनाउंस्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो 8.9, 8.7, 8.5, तो इसका आंसर था 8.5, याद नहीं रखना क्योंकि ये पुराना डेटा है, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 140, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन AI पावर ड्रोन टू काउंटर इन अनमेंड ड्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था YIT मद्रास। और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है सारा करंट अफेयर, जिसके बाद में आपको साइंस की क्लास मिलेगी, और आप वो क्लास देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, मतलब अभी तक हम आपको 4 पेपर करा चुके हैं जामिया बीएड का, एक एक यूनिट का सॉल्यूशन जो दिया है एक्सपर्ट्स ने दिया है, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ही ये सॉल्यूशन दिया है, आपने देख भी लिया होगा। और यही हमारे एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं कलाम बैच में, ये क्या चल रहा था, कलाम सीरीज चल रहा था, अब हमारा कलाम बैच आ चुका है, आपको पता होगा। जिन बच्चों को भी एडमिशन चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, और वो मेरे नंबर पे इस पर कांटेक्ट भी कर सकता है मुझसे सीधा, 6395340524, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।